हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे स्टडी प्लान को लेके। जैसे कि सीबीएसई के 10th और 12th के स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारे पास देखा जाए तो कुल मिला के 30 डेज़ के आसपास है। तो इन 30 डेज़ में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उसमें मैं एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। हर एक डे वाइज में स्टडी शेड्यूल कैसे सेट करना है, उसमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करूँगा। चलिए एक्शन प्लान तैयार करते हैं हमारे। चलिए बात करते हैं डे वन से लेके डे फिफ्थ तक क्या टास्क होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, हमें सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसमें हम क्या रीचेक करेंगे, रिव्यू एंटायर सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमें रिव्यू करना है। क्रिएट ए चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक्स का एक चेकलिस्ट हमें बना लेना चाहिए, जिसमें हम जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे या सीखते जाएंगे उनको टिक मार्क करते जाएंगे। फिर प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन कंफर्ट एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के हिसाब से एंड खुद के कंफर्ट के हिसाब से हमें अलग अलग टॉपिक्स को स्टार मार्क्स लगाने चाहिए, ताकि इनको हम एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए। फिर बात करते हैं डे सिक्स से लेके डे टेंथ, इन दिनों हमारा टास्क क्या होना चाहिए। सेट रियलिस्टिक गोल्स, एस्टेब्लिश डेली स्टडी गोल्स, हमें डेली एक स्टडी गोल प्लान करना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। डिवाइड स्टडी सेशंस फॉर ईच सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग सेशंस डिवाइड कर लेने चाहिए, जिसके लिए हम एक्शन प्लान बनाते हैं डे वाइज शेड्यूल। फिर अवॉइड ओवरलोडिंग, मेंटेन ए बैलेंस शेड्यूल, एक ही दिन में बहुत कुछ कर लेंगे ऐसा सोच के हम ओवरलोड कर देते हैं खुद को, और उसके प्रेशर की वजह से नेक्स्ट में 2-3 दिन तक और पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे और परसों भी पढ़ेंगे, हर दिन सेम टाइम सेम चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज के प्रेशर की वजह से और 2-3 दिन पढ़ ही नहीं पाए। फिर डे 11 से लेके डे 15 तक हमारा फोकस होना चाहिए वीक एरियाज़ पर, आइडेंटिफाई वीकर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, या तो हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है या तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीकर टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है। यूज़ एडिशनल रिसोर्सेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम गूगल में जाके डिफरेंट वेबसाइट्स का हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है ऐप्स के हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा स्कूल और टीचर्स तो है ही। बात करते हैं नेक्स्ट, अलोकेट मोर टाइम टू चैलेंजिंग एरियाज, जिस एरिया ऐसे कुछ एरियाज़ होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते होंगे, उन एरियाज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है 11 से लेके 15 नंबर डेज तक, ठीक है। इसमें आपका मैथ्स सब्जेक्ट या अकाउंट्स का सब्जेक्ट ये सब हो सकते हैं, जिनमें थोड़ा टाइम लगता है और कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं टॉपिक्स। फिर 16 नंबर डे से लेके 20 नंबर डे तक आप प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर्स की, यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर सीबीएसई ने भी अपलोड किया है अपने वेबसाइट पर करंट ईयर सैम्पल पेपर्स, वो सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इनको प्रैक्टिस करने के बाद बाकी तो ढेरों सैम्पल पेपर्स आपको मिल ही जाएंगे अलग अलग वेबसाइट अलग अलग ऐप्स में, ठीक है, और आपके टीचर की तरफ से भी प्रोवाइडेड हो चुके होंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और सीबीएसई के 2024 में अपलोड किया गया वेबसाइट में जो सैम्पल पेपर है उसको करो, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर तुम्हारे पास हैं उनको सोल्व करो, और अगर फिर भी और सैम्पल पेपर तुम लोगों को चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करो, आई विल प्रोवाइड। नेक्स्ट, फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम पैटर्न, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर अभी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप एग्ज़ाम पैटर्न के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, मैनेज टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग प्रैक्टिस, मीन्स क्वेश्चन पेपर यूं ही नहीं सोल्व करना है पूरा दिन लगा के, पहले तो खुद से ये ट्राई करना है टाइमर लगा के
एग्जैक्टली 3 घंटे में आप ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर पा रहे हो कि नहीं। हर बार ऐसे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने से एक ही एग्ज़ाम का बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर बात करते हैं डे 21 से लेकर 25 आप क्या करोगे। इन दिनों आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करते रहोगे, रिव्यू टॉपिक्स कवर्ड, जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उनको रिवाइज़ करना है, मेक कॉन्साइज नोट्स एंड हाईलाइट की पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट्स होंगे उनको तो हाईलाइट करना ही है पढ़ते समय, और जितने भी नोट्स आपके पास रेडी है उनको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि कम से कम समय में पूरा बुक रिविजन हो जाए। यूटिलाइज निमोनिक डिवाइसेस और माइंड मैप्स फॉर मेमोरी। माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब होते हैं तो ये सब यूज़ करते हैं हम कम समय में पूरा चैप्टर को रिविजन करने के लिए। कभी कभी माइंड मैप्स देख के ही आपका पूरा चैप्टर रिविजन हो जाता है, तो पूरा सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। निमोनिक्स है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो पहले तो उनका शॉर्ट फॉर्म करो, फिर कोई एक इंटरेस्टिंग लाइन या घटना के साथ रिलेट करके या इमेज के साथ रिलेट करके उनको याद रखो, तभी तुम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम वाले दिन मॉर्निंग में भी तुम पूरा बुक रिविजन कर पाओगे अगर ये सिस्टम तुमने पहले से मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर 26 से लेकर 28 नंबर डे तक तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स करने चाहिए। टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब पूरा एक क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए। सिमुलेट एग्ज़ाम कंडीशंस, एनालाइज मिस्टेक्स एंड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। जो भी मिस्टेक्स वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय होंगे उनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है और उनको कोशिश करना है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में फिर से गलती ना करो, उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। बात करते हैं 29 नंबर डे के बारे में, जिसमें आपको फाइनल रिवीजन करना है। रिविजिट ऑल सब्जेक्ट्स फॉर ए फाइनल रिव्यू, रीइंफोर्स नॉलेज गेन्ड थ्रू आउट द मंथ। पूरे मंथ अपने पढ़ाई की है 28 दिन तक, इन 28 दिन के नॉलेज को आपको काम पर लगाना है और फाइनल रिविजन कम्प्लीट करना है। फिर 30 नंबर डे के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम वाले दिन के ठीक आगे वाले दिन होगा, ठीक है। उस दिन आपको एकदम रिलैक्स रहना है, स्टे पॉजिटिव रहना है, अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स और नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो इसके बाद वाले दिन एग्ज़ाम है तो बेकार में आपको एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी। एंगेज इन लाइट एक्टिविटीज़, हल्का हल्का एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज रहो टू रिलैक्स द माइंड, माइंड को रिलैक्स रखना है, वही मेन मोटिव है। एंश्योर ए गुड नाइट स्लीप फॉर ए रिफ्रेश्ड माइंड, ये एंश्योर करो कि उस रात को जो आप नींद में जाने वाले हो वो प्रॉपर नींद कंप्लीट हो एंड अगले वाले दिन आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा एंड अच्छे से अच्छे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो या फिर जो भी हो तुम एकदम अच्छे से उनको हैंडल कर पाओगे। बात करते हैं टिप्स फॉर सक्सेस। सक्सेस की टिप्स के बारे में बात किया जाए तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। पहला ही है हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटेन ए बैलेंस डाइट, कुछ भी उटपटांग मत खाया करो अभी एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम पे, तो एकदम हेल्दी खाना ही खाया करो। स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी प्रॉपरली पिया करो, अपने बॉडी में सही मात्रा में पानी होना चाहिए तभी माइंड सही से काम करता है। एंड गेट एनफ स्लीप, स्लीप भी कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर टू, स्टे कंसिस्टेंट, स्टिक टू योर स्टडी प्लान एंड अवॉयड प्रोक्रास्टिनेशन। जो भी स्टडी प्लान तुम बनाते हो डेली बेसिस पे, हर दिन का जो एक गोल सेट करते हो वो एट एनी हाउ तुम्हें कंप्लीट करना ही है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं कोशिश करना है कि उनसे तुम दूर ही रहो। नंबर थ्री, सिक हेल्प व्हेन नीडेड, डोंट हेजिटेट टू आस्क टीचर्स और पीयर्स फॉर क्लैरिफिकेशन। कभी भी किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हो तो अपने पीयर ग्रुप जो है, अपने क्लासमेट्स जो है, फ्रेंड्स है, उनके साथ बात करो, ग्रुप में बात करो। अगर लगता है कि वहाँ से हेल्प नहीं मिलेगा तो अपने टीचर से भी बात करो, मुझसे बात करो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर, स्टे काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम के समय पे हमें अपने आप को शांत रखना पड़ता है, वरना एक नर्वस फीलिंग आता है जिसके या फिर टेंशन की फीलिंग आती है जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है।
ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा काम आता है, जिससे हमें कोई भी स्ट्रेस फीलिंग हो तो उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे और एक्शन प्लान को सेट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। दिस इज़ मिस्टर शुप्रिया साइनिंग ऑफ।